लाइव ले चलते उदयपुर की तरफ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे पर हैं। और आदरणीय समित जी शाह का स्वागत अभिनंदन करें। आज के क्षण हमारे लिए गौरव के क्षण है। आज इस आधुनिक भारत के लौह पुरुष इस मेवाड़ की ऐतिहासिक धरा पर आए हैं। ये मौका है जब इतिहास इतिहास से मिल रहा है। एक इतिहास इस मेवाड़ में राणा प्रताप ने रचा, धरती की स्वतंत्रता के सम्मान की लड़ाई लड़के, और एक इतिहास हिंदुस्तान के चाणक्य के लौह पुरुष अमित शाह साहब ने रचा, जब कश्मीर के पैरों की जंजीरों को काटकर धारा 370 को समाप्त करके चहकते हुए कश्मीर को हमें दिया है। मैं इस अवसर पर बिना भूमिका के आप सब भाइयों का स्वागत करते हुए, आज बरसात के समय में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, मैं सीधा ही निवेदन करूंगा, हमारे आदिवासियों की वो हथियार जिसको देखकर हम कह सकते हैं वीर सूरमाओं ने जिस तीर कमान के लिए बलिदान दिया था, वो तीर कमान अभी माननीय गृह मंत्री जी को यहाँ की हमारे स्थानीय कमेटी और स्थानीय नेता लोग प्रस्तुत करेंगे। दोनों सांसद जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, सुशील जी, अर्जुन जी, महापौर जी, राणा पूंजा जिन्होंने इस देश की अस्मिता और धरती की लड़ाई लड़ी, उनका चित्र हमारे सांसद हमारे नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कहूं, उससे पहले मैं गृह मंत्री जी एक निवेदन करना चाहूंगा। परसों ही मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखकर कन्हैयालाल के हत्यारों की सजा की बात कही है, परंतु उन्होंने ये बात नहीं कि जयपुर बम ब्लास्ट के वो 74 लोग सरकार की लचर पैरवाई के कारण बरी हो गए, उसकी जब अपील करनी थी तो सरकार ने तब अपील की जब भारतीय जनता पार्टी अपील में गई। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर समय की नजाकतता है, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अखबार सीपी जोशी जी से कहूं तो वो आए और अभिनंदन करें, स्वागत भाषण करें देश के लौह पुरुष अमित शाह साहब के। भारत माता की, भारत माता की। उदयपुर की इस ऐतिहासिक वीरता और शौर्यता से परिपूर्ण जिलों की नगरी उदयपुर में उदयपुर लोकसभा के इस ऐतिहासिक जनसभा में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए पधारे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला, और ये अवसर भी मिला जब कश्मीर में धारा 370 हटी तो तिरंगा आतंकवादियों की छाती में घोप कर धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनको करने का अवसर मिला, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी,
राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजन सिंह जी राठौर साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे सहप्रभारी आदरणीय विजया जी, यहाँ उपस्थित हमारे उपनेता आदरणीय पुनिया जी, हमारे यहाँ के सांसद माननीय अर्जुन मीणा जी, माननीय कनक कटारा जी, आदरणीय दिया जी, सभी यहाँ उपस्थित हमारे अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के सभी विधायक पूर्व विधायकगण, पार्टी के अध्यक्ष जी और उदयपुर लोकसभा की सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब की ओर से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री महोदय, ये जनता आई है आज आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए और आपका और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी, क्योंकि ये धरती है प्रातः स्मरणीय वीर श्रवणी महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्यता की धरती, जिस धरती ने कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया, कभी किसी के सामने झुके नहीं, और वैसा ही काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व में ये देश की जनता देख रही है कि आपके नेतृत्व में दुनिया के सामने आज भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया में तिरंगा फहरा रहा है और भारत के नेतृत्व का सम्मान हो रहा है। इस उदयपुर की इस वीर धरा पर एक ऐसा वीरता का समागम है कि आप इस धरती पर हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हमें सौभाग्य भी है और अभिनंदन भी करते हैं कि जो काम 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आपके नेतृत्व में 9 सालों में यहां की जनता ने देखा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गरीब के घर में रहने का पक्का मकान मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर घर में शौचालय होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में सड़क बनेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पीने की योजना आएगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि मिलेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि संकट काल में हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ 6 लेन बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि 100 करोड़ का ESIC का हॉस्पिटल बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रताप बांसवाड़ा से रतलाम की रेल मिलेगी और ये कभी संभव हो पाया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और आपकी अगुवाई वाली सरकार में हो पाया है। इसके लिए ये सब लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। मैं इतना ही कहते हुए, क्योंकि ये जनता जनार्दन आपका उद्बोधन सुनने आए हैं, मैं तो अपनी ओर से यही कहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक घोषणावीर और मुगलिया प्रेमी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमें दुर्भाग्य है कि आज जिस भगवा पताका को लेकर महाराणा प्रताप ने मुगलों को परास्त किया, दुर्भाग्य से ये राजस्थान की सरकार एक आदेश निकालती है कि यहां भगवा पताका पर लगाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश निकालती है। ये दुर्भाग्य है और ये मेवाड़ की धरा उस सरकार को कहना भी चाहती है, अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक झुका नहीं, मुगलों के आगे भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे सारे राजस्थान की, अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की। और जिस भगवा पताका को आपकी सरकार ने NS विक्रांत पर भी लगाने का काम किया, मैं आज इस मौके पर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि आज आप और हम सब लोग इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार की आदरणीय मुझे
प्रभारी महोदय कह रहे थे कि ऐसी महीने में जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सके, जो सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं कर सके और जो सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सके, आज वो कन्हैयालाल साहू, आज वो कन्हैयालाल पारिक जो उसने रीढ़ की परीक्षा के कारण आत्महत्या कर ली, आज वो किसान जिसने फसल खराब है का और कर्जा माफ नहीं होने के कारण आत्महत्या कर ली, वो न्याय मांग रहा है। और आदरणीय गृह मंत्री जी जहां जाते हैं वहां कमल खिलता है। और ये राजस्थान में भी आपकी अगुवाई में 2023 में फिर से कमल खिलेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर आदरणीय गृह मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाएं कि राजस्थान में इस नकारा और निकम्मी सरकार को हम भगा कर दम लेंगे और 2023 में फिर से कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अब वो क्षण आ गए हैं जिन क्षण का इंतजार आप सब आदिवासी भाई कर रहे थे। देश के लोह पुरुष, आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहे इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। राम भैया, सम्मानित मंच और आतंकवाद को समाप्त कर भारत को ताकतवर देश बनाने वाले आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करती हुई स्वर्ग सी सुंदर मेवाड़ की इस धरती पर मैं आपका सबकी तरफ से झुककर प्रणाम कर स्वागत करती हूं। जोर से सब लोग स्वागत करेंगे तो सब लोग हाथ जोड़ करके आज हमारे बीच में आए हैं तो हमारी सबकी ओर से स्वागत इस मेवाड़ की धरती पर। इस अवसर पर श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी को नमन, जिन्होंने जनसंघ की विचारधारा को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। पूर्व सांसद श्री भानु कुमार जी शास्त्री को नमन, पूर्व विधायक श्री शिव कुमार जी सानाड्य जी, पूर्व मंत्री और मेरी साथी श्रीमती किरण महेश्वरी जी, पूर्व सांसद श्री महावीर बगोड़ा जी, पूर्व सांसद श्री हरिओम जी राठौड़, पूर्व विधायक श्री कल्याण सिंह जी और पूर्व मंत्री जीतमल जी खाट के साथ साथ मेरे भी सहयोगी पूर्व विधायक श्री गौतम लाल जी मीणा का भी मैं पूरी श्रद्धा के साथ आज प्रणाम करना चाहूंगी। माननीय गृह मंत्री जी, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, इसकी पहचान, इसकी शांति, इसका सद्भाव, इसका प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता है। आपने कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म कर दिया और वहां तो शांति का एक नया कश्मीर बना दिया है, पर राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर अशोक गहलोत के नेतृत्व में आतंकवाद के भेंट चढ़ चुका है।
सब लोग जानते हैं कि एक साल पहले 28 जून 2022 को कन्हैया लाल जी का गला काट कर जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई थी उसकी वजह से पूरा राजस्थान कांप उठा था। पर इंसानियत को तो तार तार करने वाले इस मामले में भी अशोक गहलोत जी तो वोट और राजनीति की पॉलिटिक्स अभी भी कर रहे हैं। राजस्थान की कानून और व्यवस्था गहलोत जी आपकी है, क्या आपको पता नहीं है कि उदयपुर में बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कट्टरपंथी आकर धार्मिक उन्माद और कट्टरता फैलाने का हमारे इस उदयपुर और राजस्थान के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। मैं बधाई आज देना चाहती हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने 9 साल के अंदर अंदर एक स्वर्णिम काल के अंदर ये आतंकवाद का सफाया करने का इस हिंदुस्तान के अंदर काम किया है, जिसका आप अगुवाई करते हुए रहे हो। 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ने करके वो दिखाया जो आज तक गैर भारतीय जनता पार्टी की 9 सरकारें नहीं कर पाई। यह आपके सबके सामने है। आज देश में हर व्यक्ति मुक्त कंठ से यह कहता है कि मोदी जी के 9 साल और भारत हुआ निहाल। ये सब लोग जहां जाओ, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी चले जाओ, अभी मैं झारखंड में थी, सब लोग मुक्त कंठ से साथ यही बात करते हैं। एक वो वक्त था भाइयों जब अमेरिका भारत को तवज्जो ही नहीं देती थी, और आज वही अमेरिका है जो मोदी जी के स्वागत में एक पैर पे खड़ा हुआ अपने को दिखाई दिया। आप सबने देखा वीडियो पे, टेलीविजन पे, सब पे देखा कि किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत अमेरिका में किया गया है। मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश से गरीबी हटाने का काम किया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विदेश के बहुत सारे फंड हैं और बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है। आज जो सुविधा अमीर को मिल रहा है वो ही सुविधा हमारे गरीब को भी मिलना है। अमीर के रसोई के अंदर अगर एलपीजी गैस का कनेक्शन है तो हमारे घर के गरीब के घर में भी उज्ज्वला की वजह से वो सुविधा हमारे गरीबों को मिल रही है। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जहां अमीर लोग अपना इलाज करते हैं, उन्हीं अस्पताल के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब का भी इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। चाहे वो धन जन धन योजना हो, उसमें 50 करोड़ पीएम गरीब कल्याण हो, उसमें आपके 80 करोड़, और पीएम किसान समृद्धि योजना हो, उसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ आज मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 12 करोड़ शौचालय जगह जगह पे बने हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। कश्मीर के अंदर धारा 370 जैसा वादा किया था वो हटाने का काम आप लोगों ने किया है, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहुत बड़े बड़े फैसलों ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार के संकल्प से आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है भाइयों, मोदी सरकार में देश के हर व्यक्ति का उत्थान हुआ है। लेकिन यहां की गहलोत सरकार को पिछले 4 साल के अंदर खुद का उत्थान करने में वो लगी हुई है, गरीब को तो भूल गई है, परंतु किस तरीके से 4.5 साल में अपना उत्थान, अपने मंत्रियों का उत्थान किस तरीके से करना है, उसकी तस्वीर आपको बहुत जोरदार तरीके से उनने दिखाया है। सरकार के तो मंत्री सार्वजनिक स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहते हैं कि खुद की सरकार माने गहलोत जी की सरकार ने तो भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप कहीं भी चले जाओ राजस्थान के अंदर, वहां जहां जहां उनके मंत्री हैं, जहां जहां वो जीत के आए हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, परंतु उनके लोग भी जगह जगह के अंदर कोई काम नहीं करते बिना पैसों की।
आप लोग सब जानते हो, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी में कागज बनाने की कोशिश करो, कहीं भी आप लोग चले जाओगे तो आपने अगर कोई काम करने की कोशिश की है तो किसी का काम बिना पैसों के हुआ हुआ है क्या? किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ है, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने तो सीमाएं लांघ दी हैं जिस तरीके से इस समय हो रहा है। मैं भामाशाह, मुझे याद है कि अपन लोगों ने अपनी सरकार के समय भामाशाह योजना शुरू की थी, जिसमें अपन लोगों ने महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया था। जैसे ही यह सरकार आई, इसने वो स्कीम को बंद कर दिया, और बंद करके महिला जगत का अपमान, घोर अपमान किया है, क्योंकि हमने अपनी महिलाओं को अपने परिवार की मुखिया बनाने की कोशिश की थी और उसके हाथ में पैसा कार्ड देने का काम किया था। उसको बंद करके हमारी महिलाओं को अपमानित करने का काम इन अशोक गहलोत की सरकार ने और अशोक गहलोत जी ने किया है। मुफ्त इलाज कराने का काम हम लोगों ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया था, आपको याद होगा, उसको भी बंद कर दिया और चिरंजीवी योजना के नाम से एक योजना शुरू की है। उस योजना के अंतर्गत गरीबों का फ्री इलाज होना चाहिए, परंतु उस योजना के अंदर तो क्या, गरीब तो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर तो घुस ही नहीं सकता है। आप सब यहां बैठे हुए, आप लोग सब कहीं ना कहीं भुगत भोगी होंगे, हुए होंगे। कहने को तो दिखावे में इन्होंने यह कह दिया है कि 5 लाख से अब हम 25 लाख रुपया देंगे, परंतु यह कहने से क्या मतलब है, जबकि हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर 11,000 से ज्यादा किसी भी गरीब के इलाज के ऊपर खर्च नहीं किया गया। यह सच्चाई है भाइयों बहनों, और मरीज के ऊपर तो खर्चा नहीं किया है, और इतनी ज्यादा पैसों को इधर उधर फेंक फाक के काम किया है, इतने सारे योजनाओं को बंद करने का काम कर दिया है, इतनी सारी योजनाओं का नाम उन्होंने बदल दिया है। और एक बहुत बड़ा काम जो आप लोग सबने वहां देखा होगा, और तो और धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, आप लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर भी देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर यह आवाज जगह जगह उठ रही है। महिला अत्याचार के बारे में जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है, क्योंकि सब महिलाओं को मालूम है कि कितनी परेशानी उनको ही नहीं बच्चियों तक को हो रहा है। युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता आज मिल रहा है किसी को? किसी को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? मुझे मालूम है कि 3% लोगों को देना है, पर किसी भी युवा को मैं नहीं समझती हूं कि अभी मिल रहा है। इसलिए हमें अब हर बूथ पर मोदी जी की उपलब्धियों को, गहलोत सरकार की नाकामियों को, और हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार की कामों को याद दिलाने का काम करना है। भाइयों और बहनों, उदयपुर की अगर बात करो तो उदयपुर के अंदर भी कितने सारे काम हुए हैं तब से लेके आज तक, बताओ अगर और काम इस सरकार ने किए हैं। आपके पार्क बने हैं, ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है, झील का संरक्षण हुआ है, सज्जनगढ़ की लाइटिंग हुई है, अब है कमांड सेंटर है, एलिवेटेड रोड है, अब है इसके 9,000 करोड़ की सड़कें बनी गई हैं, 9,000 करोड़ की सड़कें बनी गई हैं, और आयट का सौंदर्यीकरण हुआ है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये पानी पिलाने का काम देवास और मानसी वाकल परियोजना फेज 1 और 2 पूरा करके कुछ हद तक जल संकट को मिटाने का काम हमारी पिछली सरकार ने किया था। यहाँ के आपके लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीना भी इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से बीमार होने के बाद भी पूरी तरह से जुटे हुए, आप लोग सबको मालूम है। और आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे उदयपुर से, ये मैं समझती हूं कि अपनी पहली सभा है जिसके अंदर वो हमारे बीच में नहीं है। भाई साहब, आज आपके सानिध्य में असम के गवर्नर बने हुए हैं, और हम लोग फिर भी हमारा मान सम्मान इतना बढ़ाया है वो वहां पहुंच के, परंतु फिर भी उनकी कमी हम लोगों को महसूस होती है। और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो भाजपा का संगठन मेवाड़ में खड़ा किया गया है, उसमें गुलाब जी भाई साहब की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा के चुनाव भी बहुत करीब आ गए हैं। 4.5 साल तक जनता का शोषण और खुद का पोषण करने का काम अशोक गहलोत ने अच्छी तरह से किया है। राहत के ठंडे छींटे दिए और बहुत बड़ा दिखावा किया है कि हम पैसे इधर बांट रहे उधर बांट रहे हैं, पर 4.5 साल में जो शोषण हुआ है वो प्रदेशवासी कोई भूलेगा नहीं, मुझे यह विश्वास है। यह भी नहीं भूल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे काम किए थे और हर व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाया था। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, इस पल से हमको, आज से हमको संकल्प लेकर जुटना है, जीत का विश्वास लेकर कमल को फिर से खिलाना है। पर प्लीज अत्यधिक आत्मविश्वास में मत रहना, क्योंकि घर बैठे गंगा कभी नहीं आती है। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आज जब यहां से जा रहे हो तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को आप लोग संकल्पित होके आश्वस्त कर दो कि कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, और बहुत जोरदार तरीके से इस मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर जोरदार तरीके से भेजने का हम लोग काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक एक व्यक्ति इसके अंदर जुटेगा, अपने अपने क्षेत्र में वापस जाओगे, बूथ पे जाओगे, लोगों से मिलोगे और इस काम के लिए अपना घर बार छोड़कर अगले 3 महीने के अंदर जोरदार तरीके से लगोगे। मेरा हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार तरीके से आप इनके सामने ये बता देना कि एक एक आदमी संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी, जोरदार आवाज, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपको मेरा बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं देश के लोक पुरुष को इस समायाचना के साथ के जो व्यवस्था की गई थी, पंडाल छोटा पड़ गया, जितनी संख्या में पंडाल में लोग हैं उसी उतनी संख्या में आप धूप में खड़े हैं, और पिछले 7 दिनों से लगातार मूसलधार बरसात के बाद कामकाज खेत में है। आप सब लोग आए, आपका अभिनंदन, और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए लोक पुरुष, जोरदार ताली बजाकर इस छोर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, उदयपुर वालों की, मेवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 23 में भाजपा सरकार बनानी है ना, जोर से बोलो बनानी है। 24 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संपूर्ण विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बोलो वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपी जोशी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक नई राह बनाने का काम किया है, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई गजेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रभारी
श्रीमान अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, बहन विजया राहतकर जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद कनकमल कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये गहलोत जी काम का इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं, ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। किसान को खेत में रहने का समय है, मेघराज का आगमन हो गया है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी खेत खलियान में छोटे छोटे खेतों में काम है, फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 23 और 24 दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले भगवान एकलिंग जी को प्रणाम करना चाहता हूं। नाथद्वारा में विराजमान ठाकुर जी को भी प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, करणी माता मंदिर और मां अंबा के मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले हिंदुओं के सूर्य और जिन्होंने स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के लिए रान रान पान पान जंगलों में घूमना पसंद किया मगर मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। इसी के साथ मुझे बड़ा आनंद आया कि मंच पर मुझे राणा पूंजा भील की भी मूर्ति, जाजल्यमान मूर्ति दी गई, उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि त्याग, बलिदान और भक्ति की भूमि है। ये भूमि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये भूमि से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका यहां से ही निकलती है। और इस बार भी आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं, गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया हूं। ये मेरा 15वां राज्य है, मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन देखा है ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों,
मोदी जी के शासन के 9 साल कई मायनों में भारत के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था 2014 में जब संसद में पहली बार पहुंचे, उन्होंने संसद की भूमि को माथे पर लगाकर कहा था ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। और 9 साल में इन्होंने इसके लिए ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6000 रुपया प्रति साल मिला है। और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जल जीवन मिशन की तरह हमारे गजेंद्र सिंह जी देखते हैं यहां बैठे, जल जीवन मिशन के तहत हर गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने चालू किया है। और राजस्थान में 43 लाख परिवारों को अपने घर में शुद्ध पानी पीने का पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, राजस्थान में 86 लाख शौचालय बनाए, 1 करोड़ कार्ड को, 4.2 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5.75 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, 84,000 कनेक्शन मेरे ट्राइबल भाइयों को, आदिवासी भाइयों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 18 लाख लोगों को खुद का घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पास के गुजरात से ही आता हूं, यहां बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी